समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। भारत के वाराणसी में बस दुर्घटना, 40 नेपाली यात्री घायल। प्रधानमंत्री सब प्रदेश दुई प्रदेश सभा के संबोधन। प्रदेश दुई में सबसे बेसी विकास करा प्रतिबद्धता, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन होगा कथन। राज्यपाल किछ सांसद सब प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार, एक मंत्री आ तीन राज्य मंत्री अनुपस्थित। प्रधानमंत्री ओली का विरोध कर जनकपुर विमान स्थल पहुंचल किछ युवा पकड़ायल, भवपुरा चौक समेत टायर बार का प्रदर्शन। बलात्कारी के फांसी का मांग करे राजधानी में अभियंता सबसे अर्धगन प्रदर्शन घमसाघमसी। आप समाचार विस्तार से। भारत के वाराणसी में बस दुर्घटना पर 40 नेपाली तीर्थयात्री घायल भेल। प्रहरी के अनुसार सुनसरी के दुभी से गेल तीर्थयात्री सब बिहार से निजी गाड़ी रिजर्व कैने छलैथ। चालक तीव्र गति में रहल मोटरसाइकिल के बचाव क्रम में बस दुर्घटना में भेल। भारतीय प्रहरी जनौलक बस में 46 गोटे छलैथ। घायल सबके दीनदयाल उपाधि अस्पताल में भर्ना कैने। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रदेश दुई में सबसे बेसी विकास करवाक प्रतिबद्धता जनौलन। ओ प्रदेश दू सुगम भेलो पर मानव सूचकांक के विविध पक्ष में बहुते पाछा रहल कहित, सातु प्रदेश से ई प्रदेश अपन प्राथमिकता रहल से बतौलन। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रदेश नंबर दू में सबसे बेसी विकास क के देखेबाक प्रतिबद्धता जाहिर कलन। शनि दिन प्रदेश नंबर दू के प्रदेश सभा के संबोधन करित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन कार्यकाल में सबसे बेसी प्रदेश नंबर दू के विकास करवाक प्रतिबद्धता जाहिर कलन। ओ प्रदेश दू सुगम भ क समेत मानव सूचांक के विविध पक्ष में एकदमे पाछू रहल कहित, सातू प्रदेश मध्य ई प्रदेश अपन प्राथमिकता में रहत धारणा रखने छलन। अत्यन्तै चिन्तित र चिन्तित भएर प्रतिबद्ध छु र म धारा छ यस प्रदेशमा विकासका प्रशासन स्थापना। स्वयं देखाव के लागि समेत प्रदेश नंबर दुए में सर्वाधिक विकास करब हुनक कहब छलन। स्वयं पानी जहाज के बात केला पर हाँसा वाला सब के जवाब दैत हो, अही प्रदेश के सप्तरी के हनुमान नगर से पहिल बेर नेपाल के पानी जहाज चला के देखेबाक बतौलन। ओ प्रदेश नंबर दू होइत नेपाल के पानी जहाज भारत के कोलकाता पहुँचबाक बतौलन। प्रदेश नंबर दू में मल के कारखाना समेत खोलल जात होनक कहब छलन। प्रधानमंत्री ओली आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन करबाक समेत आश्वासन देलन। ओ मांग कैल गेल विषय में कमा आ फुल स्टॉप समेत हटाब नहीं हाथ कह के अदान लेनाई गलत बात रहल कहित, देश आ जनता के आवश्यकता अनुसार समय सान्दर्भिक रूप में संविधान संशोधन होबाक बतौलन। मान्छेले भन्दैछ तर हेर्दै जान्छ होला सरकार। नेपालको झन्डा राखेर समुद्रमा नेपालको पानी जहाज अहिले उदाउँछु नै भनेको छैन, उदाउन पनि सकिन्छ, उदाउँदा राम्रै हुन्छ भनेको थिएँ। बहुमुखी अब पानी जहाज त हिँडाउने खाले त्यसले नेपालको विकास गर्छ। पानी जहाज हामी अब पानीको बाटो पानीको बाटोबाट मात्रै आधार भयो। कोशी नदी, कर्णाली नदी र यो तिनवटा नदीबाट आधार भयो सम्भव छ। म प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि विभेद पनि गरिएको छ भने भेटियो भने संविधान र कानुन संशोधन गर्ने काम सङ्घीय संसदको हो, त्यसमा प्रस्ताव गर्ने काम सङ्घीय सरकारको हो। म यहाँलाई भन्दैछु विभेद काहीँ छ भने त्यो मलाई बताउनुहोस्, त्यो संशोधन छ। म
विभेदको अध्ययन गर्छु, विभेदका विरुद्ध म 14 वर्ष प्रधानमन्त्री ओली जन्मसिद्ध नागरिकता रहल नेपालीके सन्तान वंशज नागरिकता पैबाक समेत धारणा रखलनि। ओ म्या आ बाबु मध्ये एगोटेके नेपाली नागरिकता रहल खण्डमे हुनक सन्तान सहज रूपमे वंशज नागरिकता पैबाक बतौलनि। प्रधानमन्त्री ओली मौका पाबयवला सब विभेद कऽ रहल कहैत हरेक ठाम आ किसिमके विभेद अन्त करय पड़बाक धारणा रखलनि। ओ विभेद बेगरके समाज निर्माणके लेल सब केओ अपना दिशसँ विभेदकारी मानसिकता त्याग करय पड़बाक सुझाव समेत देलनि। प्रदेश नम्बर 2 7 लाख युवा विदेश गेल तथ्यांक प्रस्तुत करैत वैदेशिक रोजगारमे जायवला सब भोगैत आयल समस्या समाधानमे सरकार प्रतिबद्ध रहल हुना कहब छलनि। प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश नम्बर 2 बाल विवाह आ दहेज प्रथासँ आक्रांत रहल कहैत ई कुरीति अन्त करयके लेल पहिने अपने व्यवहारमे परिवर्तन करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध बाबु आमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छन्। यो कुरा अहिले हामीले गरेर मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर संसदमा पठाइसकेका छौँ। संसदमा त्यो संसद यो भनभित्र पारित भइसकेको बाबुको नागरिकता वा आमाको नागरिकता एउटा भएको छ, एकजना नेपाली नागरिक भएको छ, आमा नेपाली नागरिक छ भने पनि आउँछ, बाबु नेपाली नागरिक छ भने पनि आउँछ, किनभने नेपाली नागरिकको सत्ता। तहिना देशभर बनाव लागल 14 नयाँ बस्ती मध्ये 7 बस्ती प्रदेश नम्बर 2 बनाओल जेबाक समेत ओ जानकारी देलनि। ओ जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 2 8 जिल्लामे 1,000 घर निर्माण करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयलनि। प्रधानमन्त्री ओली हुलाकी सड़क निर्माण काजके तीव्रता देबाक आ 5 वर्ष भीतर निर्माण सम्पन्न करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। तहिना एहि प्रदेशमे कृषिके आधुनिकीकरण आ यान्त्रिकीकरण करबाक प्रतिबद्धता समेत ओ व्यक्त कयलनि। सबसँ पहिने एहि प्रदेशमे रेलवे लाइन विस्तार भऽ रहलमे खुशी व्यक्त कयने छलनि। प्रधानमन्त्री ओली विपन्नतामे रहल एहि प्रदेशसँ कृषिके प्राथमिकता देबय पड़बाक धारणा रखलनि। साथे एहि प्रदेशसँ जलमार्ग विस्तारके लेल आवश्यक योजना बनाकऽ अगाडि बढ़य पड़बाक हुनक कहब छलनि। प्रदेश सभा सदस्य लोकनिके आ प्रदेश सरकारके ओ कहलखिन अपने सब योजना लगाओ, ओहिमे की करय पड़त हम सदिखन तैयार छी। सब बात मानयवला प्रधानमन्त्री कहियो कहियो भेटत कहैत ओ स्वयं सब बात मानके लेल तैयार रहबाक बतौलनि। ओ प्रदेश नम्बर 2 के लेल आवश्यक योजना सब बनाकऽ लाबय प्रदेश सरकारसँग आग्रह कयलनि। प्रधानमन्त्री ओली जनकपुरके फोहर व्यवस्थापन, राजविराटमे मेडिकल कॉलेजके स्थापना, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयके सञ्चालन, धार्मिक स्थल सबके संरक्षण आ पर्यटकीय रूपमे विकास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलथि। प्रधानमन्त्री ओली मलेट घटनाक विषयमे समेत स्पष्टीकरण देलनि। स्वयं सब सभा सम्पन्न कऽ कऽ राजमार्गमे पहुँच गेलाके बाद किया गोली चलाओल गेल प्रश्न करैत प्रधानमन्त्री ओली राजनीति करयके लेल गोली चलाबयवला सबके समेत पहिचान होइत जायत धारणा रखलनि। अहिलेको प्राथमिकता के हो? के रेल हो र प्रसिद्ध रेल हो प्राथमिकता? प्राथमिकता त यहाँ दालभातहरू छ, साँझ बिहानको छ अनि साँझ बिहानका दिनका दिनका हरेक दिनका सातका मात्रै कुरा हामीले गऱ्यो भने भविष्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण हामीले पूर्व पश्चिमको लागि हालसँग म प्रधानमन्त्री हुँदा नै मैले सुरु गरेको 19 वर्षदेखि चर्चामा मात्रै रेलवेको विस्तार मैले जोड दिएँ, पूर्व पश्चिम रेलवे बनाएर छोड्ने हो, पूर्व पश्चिम रेल तराईबाट छोडेको सरकार भन्ने देखाउन पनि सबभन्दा बढी परिवर्तन सबभन्दा बढी विकास 2000 प्रदेश यहाँको जनतालाई चाहिएको विकास हो,
यहाँको जनतालाई चाहिएको शिक्षा होला, यहाँको जनतालाई चाहिएको स्वास्थ्य होला, यहाँ चाहिएको मेडिकल कलेज होला, यहाँ चाहिएको विश्वविद्यालय होला, यहाँ चाहिएको प्राविधिक। करिब डेढ घण्टासँग बेसी सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै जनकपुरधाम आयल पार्टीक दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शनि दिने माओवादी जनयुद्धके बेरमे शुरूआतीमे शहादत प्राप्त केने शहीद राम वृक्ष यादवके 24वां स्मृति सभा धनुषाके बरमजियामे सम्बोधन करबाक कार्यक्रम अछि। प्रदेश नम्बर 2 के प्रदेश सभामे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीक विरोध करैत किछु सांसद प्रदेश सभा बहिष्कार केलक अछि। प्रदेशसभामे सामुकर सरोज कुमार यादवसँग प्रवेश केने प्रधानमन्त्री ओलीके स्वागत करैत प्रदेशसभाको कार्यवाही आगाँ बढल घोषणा कयल लगले। राज्यपालका प्रदेशसभा सदस्य सब उपेन्द्र महतो, बिन्देश्वर प्रसाद यादव आ गौरीशङ्कर शाह अपन अपन ठामे ठाड भएको अपना सबके बाजा देबाक लेल आग्रह कयने छल। सभामुख काल्हि बाजा नै मिलबाक कहैत बैसा आग्रह केला बाद प्रदेश सब सदस्य महतो अपन पार्टीक निर्वाचित सांसद जेल में रहल आ नेता तथा कार्यकर्ता ऊपर के मुद्दा सब फिरता नहीं भगत धरपकड़ जारी रहला सब प्रधानमंत्री के भाषण मात्र सुनवाई का अर्थ नहीं रहल कहित बैसार बहिष्कार कहने कहित बाहर भेल छन। बैसार शुरू होबसँ पहिने राज्यपालका महतो सहित किछु सांसद सब विरोध करबाक जानकारी संसद सचिवालयके प्राप्त भेला बाद हुनका सबके बेर बेर बजाक प्रधानमन्त्रीके आगा विरोध नै करऽ कहल गेल छल। इएह कारणसँ सेहो बैसार एक घण्टा विलम्ब शुरू भेल छल। एम्हर राज्यपाल सब प्रदेशक सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, तीन राज्य मन्त्री अनुपस्थित छल, सांसद मनीष सुमन, प्रमुख सचेतक परमेश्वर शाह सेहो बैसारमे अनुपस्थित छल। प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन कऽ रहल समय नेकपा आ काङ्ग्रेसक एक आधा सांसद बाहेक केओ ठ्याप ठ्याप कऽ कऽ प्रधानमन्त्रीक सम्बोधनमे समर्थन नै जनाउने छल। बैसार कक्ष शान्त देखल गेल छल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीके विरोध करत जनकपुर विमानस्थल पहुँचल युवा सबके प्रहरी पकड़लक अछि। प्रधानमन्त्री ओलीके कार्य झण्डा देखाबऽ गेल युवा सब सरोज मिश्र, जानी खान, प्रशांत झा, संजय आ संदेश यादव के प्रहरी पकड़लक अछि। तहिना किछु व्यक्ति जनकपुर के ब्रह्मपुरा चौक संग टायर बारि कऽ प्रदर्शन केलक अछि। समाचारमा व्यवसाय विश्राम, विश्रामको बाद समाचारमा स्वागत छ। बाँकी प्रसङ्ग, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवके सम्मान कयल गेल अछि। जनकपुरमे काल्हि जानकी हेल्थ केयर एन्ड टिचिङ हॉस्पिटल राज्य मन्त्री डाक्टर यादवके सम्मान केलक अछि। ई अस्पतालके संस्थापक समेत रहल मन्त्री यादवके चिकित्सक तथा कर्मचारी सब सम्मान केलक अछि। तहिना प्रदेश सांसद कौशल कुमार यादवके सेहो सम्मान कयल गेल अछि। ओहि क्रममे अस्पतालके मेडिकल वार्डके उद्घाटन समेत कयल गेल छल। कार्यक्रममे अस्पतालमे महत्वपूर्ण योगदान पहुँचौने चिकित्सक तथा कर्मचारी सबके सम्मान कयल गेल छल। कार्यक्रममे डाक्टर रवन मिश्र, डाक्टर रामजी यादव, वीरेन्द्र झा, डाक्टर अमित मिश्र, डाक्टर विनय कुमार झा लगायत चिकित्सक तथा कर्मचारी सब सहभागिता छल। तहिना जनकपुरमे भेल दोसर कार्यक्रममे सेहो राज्य मन्त्री डाक्टर यादवके सम्मान कयल गेल अछि। नेपाल औषधि बिक्री प्रतिनिधि सङ्घ आ नेपाल औषधि तथा बिक्री प्रबन्धक सङ्घ जनकपुर इकाइ राज्य मन्त्री यादवके सम्मान केलक अछि। कार्यक्रममे राज्य मन्त्री यादव स्वास्थ्य क्षेत्रमे विभिन्न किसिमके व्यवस्था समस्या रहल कहैत सावधानके लेल प्रतिबद्ध भऽ काम करबाक जनौलनि।
कार्यक्रम में औषधि व्यवसायी के सेहो सम्मान कयल गेल छ। नेपाल यातायात मजदूर संघ सरकार के संघ समिति खारिज करवाकर निर्णय करीब 15,000 श्रमिक कर्मचारी रोजगारी के विस्थापित भेल बतौलक। संघ अध्यक्ष धर्मराज भंडारी सरकार के संघ समिति खारिज करवाकर निर्णय से देशभर के 400 समिति में कार्यरत 15,000 श्रमिक कर्मचारी रोजगारी से विस्थापित भेल बतौलन। संघ गत शनि दिन बैसल बैठक भादो 1 गते से लागू भेल मुलुकी दीवानी संहिता दुर्घटना से मृत्यु भेल में सवारी चालक के 10 वर्ष कैद तोकल कहित आपत्ति जनौलन। बैठक मुलुक के संरचना अनुसार गत महाधिवेशन संघ के विधान परिमार्जन कैल अनुसार संरचना के लिए देशभर अभियान कर नया स्थान में संगठन विस्तार करवा कर तोकल न्यूनतम पारिश्रमिक सब यातायात मजदूर में लागू कर सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू कराब पहल करवा के विषयगत विभाग गठन करते जिम्मेवारी बांटफाट करवा के निर्णय कलक। संघ आबद्ध महासंघ नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस संघ परामर्श करते यातायात मजदूर के हक हित अधिकार के लिए संघ देशभर पहुँचल अध्यक्ष भंडारी बतौलन। बलात्कारी पुरुष के फांसी का मांग करते राजधानी का माइती घर मंडला में अभियंता सब अर्धनग्न प्रदर्शन कलक। काल महिला अधिकारी का अभियंता सब कारी पेटीकोट पहर के प्रदर्शन उतरला बाद प्रहरी धरपकड़ के नियंत्रण में लेलक। बलात्कारी के फांसी देवा के मांग के निहा नाराबाजी कर लगला बाद प्रहरी ओकरा सब के नियंत्रण में लेलक। प्रहरी नियंत्रण भित्रे सीओ सब नाराबाजी करित रहल छल। प्रदर्शन में संलग्न 5 महिला 1 पुरुष आ 1 गोटे तेसर लिंगी के प्रहरी सिंह दरबार स्थित वृत्त में राखल गेल। संविधान में बलात्कारी के फांसी के व्यवस्था करबाक आ बलात्कार विरुद्ध संयुक्त रैली के बैनर में करीब 2 दर्जन संख्या में मंडला में जमन भेल युवा युवती संविधान संशोधन के मांग कलक। वो सब बलात्कारी के फांसी के व्यवस्था कर मांग कलक। देश में बलात्कार घटना बढ़त गेल आ दोषी के कड़ा कार्रवाई नहीं भेल लगायत घटना से आक्रांत बनल युवा पुस्ता अई अभियान में संलग्न है। विशेष कर नया पुस्ता के युवा युवती सब सामाजिक संचाल मार्फत बलात्कारी के फांसी दिल जेबा अभियान चलाब रहा है। मंडला में सो सामाजिक संचाल में सशक्त होत आयल युवा युवती के उपस्थिति छल। भादो 1 गते से लागू ऐन मूल्य की अपराध संहिता ऐन सार्वजनिक स्थान में अर्धनग्न प्रदर्शन के निहार सबके सेहो कानूनी कार्रवाई हेबाक व्यवस्था अछि। प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा दुर्गा सुवेदी सस्मरणात्मक पुस्तक विमान विद्रोह सार्वजनिक भेल। शनि दिन पर्यटन बोर्ड ने विशेष कार्यक्रम का पुस्तक विमोचन कलक। पुस्तक में 2030 साल के विमान अपहरण में सुवेदी के संलग्नता आ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति आ घटनाक्रम ऊपर की अनुभूति सब समावेश है। विमान अपहरण में संलग्न कैल बापस सुवेदी भारतीय जेल में काटल 2 वर्ष 10 वर्ष
प्रवास बसाई तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षसँगै कन्या सुशीला कार्की प्रधानाधीश भेल समयमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रस्ताव केने आर्थिक प्रलोभन लगायत प्रसङ्ग उल्लेख अछि। पुस्तक उप चर्चा करे नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई तत्कालीन परिवेशमा दुर्गा सुवेदी अपनायल बाट अनुकरणीय रहल बताउलेन। राजनीतिक परिवर्तनको लेल समय सापेक्ष गरि नै आन्दोलन जरुरी रहल कोनो ठिक कोनो बेठी कह कठिन हेबाक तर्क केले। किताब पढिसकेपछि पनि केही विषयहरू चाहिँ अनुत्तरित रहन्छन्। यो आगामी दिनमा यो इतिहास टुङ्गिँदैन, यो त निरन्तर चल्छ। क्रान्ति भनेको एउटा निरन्तरको प्रक्रिया, कहिले टुङ्गिने पनि कुरा होइन। अब यो विमान अपहरण गर्नु ठिक थियो बेठिक थियो, सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो लिने ठिक कि बेठिक भन्ने जस्ता प्रश्न उठ्छन्, त्यसलाई ठिक र बेठिक सेतो या कालो भनेर चाहिँ टुङ्ग्याउनु कहिले पनि सकिँदैन। यी सङ्घर्ष निरन्तर हुन्छ, परिवर्तन निरन्तर हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो सशस्त्र र निशस्त्र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष भनेका यी खालि माध्यम मात्रै हुन्छ, त्यसले परिस्थितिअनुसार चाहिँ अपनाउने कुरा हुन्छन्। कुनै कालखण्डमा जब राष्ट्रिय सत्ताले दमन गर्छ अरू कुनै बाटो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापा पुस्तकमा सुवेदी विमान अपहरणके आरोप जेलमा बैसल भएका भारत पहुँचल भारत छिप्के आन्दोलन लगायत विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटनाक्रमके विविध विषय समावेश कयल बताउलेन। ओ तत्कालीन समयमा काङ्ग्रेस केहन रहल कहित बारे बुझल लेल पुस्तकमे यथेष्ट विषयवस्तु समावेश भेल उल्लेख कयलनि। व्यक्तित्व आ स्वभावके आधारमे दुर्गा सुवेदी जेहन बन दिक्कत रहल थापा टिप्पणी कयलनि। सुवेदी लोकाचार लालसा आ डर बिना नै तत्कालीन पात्र आ हुनका प्रविधि पुस्तकमे उतारल भेल नेता थापा बतौलनि। ओ आय पुस्तक काङ्ग्रेस विमान विद्रोह पुस्तकसँग तत्कालीन राजनीतिक आ राजनीतिक पात्रबारे यथेष्ट जानकारी लेब सकबाक तर्क कयलनि। किशुनजीको मेरा कथाका पानाहरू पनि वा गिरिजाबाबुको आफ्नो कथा आफ्नै कुरा वा बिपी गुरुलाको आत्मवृत्तान्तहरू दोषयुक्त छ, तर दुर्गा प्रसाईको विमान विद्रोह यो बदफुवाई र यो आफ्नो बढाइको जुन एउटा प्रवृत्ति आत्मकथा लेखनमा छ त्यसबाट सर्वथा मुक्त छ भन्ने प्रदीपगिरीले बडो मिठासपूर्ण ढङ्गबाट यसमा लेख्नु भएको छ। दुर्गा सुवेदीले जस पात्रहरूको बारेमा प्रवृत्तिहरूको बारेमा विमान विद्रोह कृतिमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन पार्टी राजनीतिक अखण्डेर बाहर नै आयल बहुत प्रसङ्ग सब सेहो रहल अछि। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल सञ्चार जगतके प्रतिकूल हेबाक उद्देश्यसँ कानुन नै बनाओल गेल बताउलनि। काल रिपोर्टर्स क्लब कार्यक्रममा ओ कानुन सञ्चार जगतके हित विपरीत नै भेल दावी सेहो कयलनि। ओ नयाँ कानुनमे कमजोरी भेलापर आ राज्य अनुभूत कयलापर संसदमे संशोधन प्रस्ताव लऽ जा सकबाक सेहो बताउलनि। ओ सञ्चार जगतके मूल ऐन सेहो आबऽ लगलासँ निश्चिन्त रहस्य ओ आग्रह कयलनि। विधेयकहरू तयार गर्ने काले राख्ने सरकारको तर्फ जहाँसम्म अब सञ्चार जगतको कुरा अथवा अन्य स्टेक होल्डरहरूको कुरा हामीले त चाहँदाखेरि पनि त संशोधन गर्न अलिक कठिनै रहेछ नि भन्ने जिज्ञासा पनि योसँग जोडिएर आउन सक्छ। तपाईँहरूले यति भनेपछि त सरकारले पनि सुनेको छ, राज्यले पनि सुनेको छ, सांसदहरूले पनि सुन्नुभएको छ र यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर यसलाई समृद्ध बनाउनका निम्ति सबै क्षेत्रबाट आउने योगदानहरूलाई सरकार त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले यसको समाधान गर्ने गर्न तत्पर छ। देवानी संहिता फौजदारी संहितामा व्यवस्थित गरिएको कुरा के मात्रै हो भने संविधानमा हामीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदकै बिजनेसमा जा चुक्ला छ, संसदकै निर्णय अनुसार अगाडि बढाएको बताउलेन। अन्तिम मुख्य समाचार एक बेर फेर छ। भारतके वाराणसी बस दुर्घटना 40 नेपाली तीर्थयात्री घायल। प्रधानमन्त्री सब प्रदेश द्वीप प्रदेश सभाको सम्बोधन, परिस्थितिमा सबसे बेसी विकासका लागि प्रतिबद्धता, आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हेबाक कथन। राजका एकीकृत सांसद सब प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार, एक मन्त्री आ 3 राज्य मन्त्री अनुपस्थित। प्रधानमन्त्री ओलीका विरोध गर जनकपुर विमानस्थल पहुँचल किछ युवा पक्राएल,
भवनपुरा चौक समीप गैर व्यापक प्रदर्शन। बलात्कारी के फांसी का मांग करैत राजधानी में अभियंता सबसे अर्धनग्न प्रदर्शन प्रहरी संग घमसाघमसी। व्यस्त अपनी जैठाम सम्पन्न होते पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टेलीविजन। नमस्कार।